नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के चिड़ियाघर में होली पर डेली बेस पर तैनात संविदा एवं चतुर्थ श्रेणी के श्रमिकों को मिष्ठान वितरण का आयोजन किया गया। आर्का नामक समाज सेवी संस्थान से जुड़ी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सुनील चौधरी की पत्नी सुनैना चौधरी ने वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिठाई गुलाल गले मिलकर शुभकामनाएं दी। वहीं मौके पर बात करने पर सुनैना चौधरी ने बताया कि साहब के गोरखपुर के दौरे पर जाने से पहले ही होली मिलन समारोह का आयोजन करके जा रहे हैं और इंडियन प्राइम न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी भारतवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डायरेक्टर सुनील चौधरी ने लोगों को गुलाल लगाया और मिठाई देकर विदाई एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया। फिर से स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर के चिड़ियाघर में सुनैना चौधरी जी, जो कि हमारे सुनील चौधरी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिनकी पत्नी थी, जिन्होंने ऊंच नीच गरीब का भेदभाव मिटा के, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले जो यहाँ पे देखा किस तरह से होली को लेकर गुलाल और काफी गरीब महिलाएं जो कि वन जो कि यहाँ चिड़ियाघर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उन्होंने किस तरह से, जो कि हमारे कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई हैं, उन्होंने किस तरह से लोगों से गले मिली और होली की शुभकामनाएं दी। उनका भी साफ साफ कहना है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दूर से बाहर से कहीं आते हैं, उनका कभी ट्रांसफर हो जाता है और काफी सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। इसको लेकर यहाँ पे जो मुख्य वन संरक्षक है, जिनकी पत्नी थी सुनैना चौधरी जी, जिन्होंने जो इंडियन प्राइम न्यूज से रूबरू हुई है और इंडियन प्राइम न्यूज के कैमरे में वो तस्वीरें ही दिखाएंगे हम, जिन्होंने किस तरह से देखिए बिना भेदभाव मिटाकर और यहाँ के जो मेहनती महिलाएं हैं, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, संविदा पर भी कार्य करती हैं, उनको इन्होंने जो है मिठाई का डिब्बा और गुलाल और इस तरह से देखे होली का पर्व मनाया। जी मैम, जो आज ये प्रोग्राम जो हुआ है ये किस चीज पे हुआ है, कोई क्या कोई संस्था के उससे हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि आजकल के जमाने में जैसे खुशियाँ बहुत कम हो गई है, बिजी लाइफ हो गई सबकी, है ना, तो सभी अपने परिवारों से भी दूर, जैसे हम लोग अपने परिवारों से थोड़ा दूर ही रहते हैं नौकरी की वजह से। मेरे इन लॉज जो हैं वो शिमला में है, मेरा मायका जो है पंजाब में है, जाना ना सामने गुरुपाला, तो हमने शुरू से ही ये दूर दूर पोस्टिंग रही है, तो हम जब भी इकट्ठे होते हैं जैसे कि हमें लगता है कोई त्यौहार आ रहा, तो हम अपनी खुशियाँ साथ वालों जो हमारे साथ हमारा परिवार कौन हुआ यहाँ पर, जो हमारा दुख सुख देखेगा, तो यही है ना कि हमारा जो आस पास है, हमारा फॉरेस्ट का परिवार है, हमारे मित्र है, यही सब हमारा दुख सुख देखने सबसे पहले आएंगे, तो खुशियों में भी इन्हीं का हक बनता है सबसे पहला। तो इसलिए अभी कल हम सोच रहे थे कि होली पे कुछ करना चाहिए, है ना, कुछ दावत छोटी मोटी कुछ भी, तो कह रहे हाँ करना तो चाहिए, पर मेरी मीटिंग है गोरखपुर में, तो हमने कहा चलो, तो शॉर्ट नोटिस पे जो हो सकता था हमने सोचा कि मिठाई देख के सबको एक कुशलता का वो संदेश दे और सबकी लाइफ अच्छी रहे, पूरी जिंदगी अच्छी रहे, रंगों के साथ, रंग एक ऐसी चीज है कि अपने रंग में कोई भी ढाल सकता है। मैम, हमारे कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं, उसमें फोर्थ क्लास से कुछ महिला कर्मचारी थी, उनको आपने गुलाल लगाया और वो आपके गले मिले, तो इससे ऊंच नीच और काफी भेदभाव जो कि समाप्त हो रहा, तो हमारे जो आईएएस आईपीएस अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी उच्च आसीन पदों पर बैठे हैं, उनको इस चीज को लेकर क्या संदेश देना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जब पैदा हुई थी या मैं बड़ी हुई या मैं जिस परिवार से संबंध रखती हूँ, वहाँ पर मैंने ये कभी देखा नहीं कि ऊंच नीच कभी हुई है किसी में भी। हमारे घर में जो काम भी करता, आज भी यहाँ से भी कुछ स्टाफ हमारे घर में काम करता, तभी आप उनसे भी बात करके देखिएगा कि कभी उनको ये लगा कि मैं अपने बच्चों से या उनसे अलग भेदभाव करती हूँ, ये शायद इनबिल्ट ही है मेरे में, तो मुझे इस चीज में अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मुझे ये बात एक मिनट के लिए भी नहीं कहीं भी खली कि मैंने ऐसा कुछ किया, कुछ स्पेशल किया, मैं इस चीज को नहीं मानती, ऊंच नीच को तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, और यही सबसे बड़ी गलती है हमारे हिंदुस्तान में, जिस वजह से हम कभी ऊपर उठ नहीं पाए, अगर ये खत्म हो जाए तो शायद हम कहां से कहां पहुंच जाए। बिल्कुल सही,